Wow. Delicious. नमस्कार, मैं अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्विन चैनल पर। तो आज मैं आप सभी के सामने एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ, इंस्टेंट पोहा इडली, जो बहुत ही फटाफट बन जाते हैं बहुत ही आसानी से। और इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स या बड़ों के भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं या ऐसे ही बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये और बहुत ही फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि कैसे बनते हैं एक कप पोहे से इडली फटाफट। तो यहाँ पे मैंने एक कप पोहा लिया है, देख रहे हैं, इसे एक बर्तन में मैं डाल दूँगी इस तरह से। और इस पोहे पर मैं डाल दूँगी गर्म पानी, इतना डालूँगी अच्छे से डूब जाए और ये फूल जाए। इसमें मैंने इतना देखिए थोड़ा सा पोहे से ऊपर तक पानी डाल दिया है और इसे 10 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से ये फूल जाए। और इधर आप मैंने कुछ सब्जियाँ कट करके रखा है, जैसे एक शिमला मिर्च है, इसे बारीक मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे एक मैंने प्याज लिया है, इसे बारीक कट कर लिया है। एक गाजर है, इसे मैंने घस लिया है। यहाँ पर मैंने धनिया पत्ता थोड़ा सा लिया है और एक हरी मिर्च बारीक कट कर लिया है। आप चाहे तो और भी इसमें सब्जी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, ग्रीन वेजिटेबल्स। तो इसे मैं फूलने देती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से पोहा मेरा फूल गया है, इसे मैंने छान लिया है। और हमेशा ध्यान रखें कि मोटे वाले ही पोहा लें, इससे अच्छा ज़्यादा अच्छा बनकर तैयार होगा, बहुत जल्दी फूल जाता है। और यहाँ पे मैंने लिया है एक कप सूजी, उसी कप से जिसे मैंने पोहा लिया था। इन दोनों को एक मिक्सी जार में डाल लूँगी और डाल के इसे ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पर मैंने ले रखा है छाछ है ये, मैंने एक कप दही लिया था और एक कप पानी डालकर इसे इस तरह से तैयार कर लिया, बैटर तैयार कर लिया पतला। तो इसे मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डाल के मिक्सी कर लूँगी ताकि अच्छे से एक बैटर तैयार हो जाए। तो देखिए कितने अच्छे से बैटर तैयार हो गया है। अब इसे मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो देखिए काफ़ी अच्छे से बैटर तैयार हो गया है इस तरह से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक छोटा चम्मच नमक और साथ ही जो मैंने सब्जियाँ ले रखा है इन सभी को इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से मिला दूँगी। तो देखिए सभी को सब्जियों को मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब सबसे लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी इनो पाउडर, ये तब डालें जब बनाना हो, उससे पहले ना डालें। और डालकर इसे मिला लूँगी अच्छे से। और मिलाने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है इडली स्टैंड, इसे मैंने अच्छे से ऑयल ग्रीस कर लिया है सभी में, देख रहे हैं। और यहाँ पर मैंने कुकर में एक कुकर ले लिया है, तो गैस पर चढ़ा दिया, पानी गर्म हो रहा है। आपके पास इडली मेकर हो तो उसमें बनाए, मैं कुकर में बना रही हूँ। देखिए इसे अच्छे से मैंने मिला दिया है। अब सभी इसमें डालती जाऊँगी इडली स्टैंड में। तो देखिए पूरे इडली स्टैंड में मैंने डाल दिया। अब इसमें मैं इडली स्टैंड को डाल देती हूँ कुकर में, पानी मेरा गर्म हो चुका है। गैस को लो फ्लेम करके मैं इसमें डाल देती हूँ और 10 से 12 मिनट के लिए इसमें छोड़ दूँगी लो फ्लेम पर ढक के। इसे सीटी नहीं लगाऊँगी, सीटी निकाल के बंद करूँगी। अब 10 से 12 मिनट के बाद मैं इसे खोल के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए 12 मिनट हो गया, मैंने निकाल लिया है इडली को स्टैंड को कुकर से। इसे थोड़ा ठंडा होने देती हूँ 2-3 मिनट, उसके बाद इसको मैं चाकू की सहायता से निकाल लूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने इडली निकाल लिया, कितना फ्लफी स्पंजी हुआ है, देख रहे हैं। तो सारे स्टैंड से मैंने निकाल लिया। अब फिर से मैं ऑयल ग्रीस करके और जो बच्चे में बैटर है इसमें डाल दूँगी। तो टोटल जितना मैंने सामग्री लिया था उससे 25 से 26 इडली बनकर तैयार हो जाएंगे। तो दूसरा बैटर भी डाल के मैं तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर इडली तैयार हो गया है। तो मैंने एक तड़का पैन लिया है और तड़का पैन में मैं एक चम्मच डाल दूँगी घी, ज़्यादा घी नहीं लेना है, बस एक चम्मच तड़के के लिए लेना है। और इसमें मैं डालूँगी घी पर चटक जाएगा तो जीरा एक आधा चम्मच और एक छोटा चम्मच मैं राई डालूँगी और इसे चटकने दूँगी। देखिए जीरा और राई चटक चुका है, तो मैं इसमें डालूँगी करी पत्ता थोड़ा सा और 2-3 हरी मिर्च जिसे रिश्ते मैंने कट कर दिया है उसे भी डाल दूँगी, उसे भी हल्का चटकने दूँगी। तो देखिए चटक गया, तब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा बिल्कुल एक पिंच हल्दी, इसे अच्छे से मिला दूँगी। और मिलाने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने इडली यहाँ पर निकाल कर रखा था पोहे की, एक एक करके इसमें मैं डाल दूँगी सभी को।
डालने के बाद हल्के हाथों से इसे इस तरह से पलट लूँगी क्योंकि अच्छे से तड़का मेरे चारों तरफ मिल जाए। तो देखिए पलट के कितना अच्छा से फ्राई हो गया, मैंने दोनों साइड से कर लिया। अब हल्का इस पर मैं स्प्रिंकल कर देती हूँ मिर्च पाउडर, अगर बच्चों को देना हो तब स्किप कर सकते हैं मिर्च, बड़े खाए उनको पसंद हो तो उन्हें डाल कर दें, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है टेस्टी। देखिए कितना फटाफट मेरा पोहे का इडली बनकर तैयार हो गया इंस्टेंट, और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा इस तरह से। और जो बच्चे सब्जियां खाना नहीं पसंद करते हरी सब्जी, उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, वो इस तरह से फटाफट खा लेंगे। उसमें अपने हिसाब से आप सब्जी डाल सकते हैं, आप इससे ऑयल डाल के भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने बच्चे के हिसाब से गाय का शुद्ध देसी घी डाला है ताकि वो फायदेमंद होता है। और एक घर का निकाला हुआ है, मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है कि कैसे घर से थाली से घी निकालते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट, मेरे चैनल अभिलाषा किचन को इनको विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।